हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने ब्रह्मोस स्ट्रेटजी डाला था अपने चैनल पे फ्रॉम ट्रेडिंग स्विंग्स, जो एक बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी है। अब तक तो उस पे आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और अगर आप में से किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। कंटिन्यूस 3 वीडियो हमारी बैंक निफ्टी पे इंट्राडे स्ट्रेटजीज था, क्योंकि आप सबको ये बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी लग रही थी। अब चलिए स्विंग स्ट्रेटजीज भी देखते हैं और उन भाइयों के लिए बनाते हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत पसंद है स्टॉक्स में। सो इन दिस वीडियो वी विल सी एन अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर strategy goes to Utkarsh and Manas from Trading Monks, who has a YouTube channel with over 35k subscribers. आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे 4k होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जल्दी कर दो यार। तो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज 50 बैंड स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय उत्कर्ष एंड मानस फ्रॉम ट्रेडिंग मॉन्क्स। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा। जैसे मैंने पहले बोला, ये एक स्विंग स्ट्रेटजी है, और आपको पता है हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिर्फ बाय कंडीशन के लिए टेस्ट करते हैं, और वीडियो में भी ट्रेडिंग मॉन्क ने सिर्फ बाय एंट्रीज के लिए सिग्नल्स दिया है। सो चलिए इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी को शॉर्ट में देखेंगे, और हम 50 बैंड स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 इन 4 स्टॉक्स में, और इन स्टॉक्स को अपने वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया आए कि इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। अब टाइम फ्रेम को वन डे कर देंगे। अब वीडियो में उन्होंने टोटल 3 EMA यूज़ किया है, 2 EMA बैंड बनाने के लिए यूज़ किया है और 1 200 EMA के लिए। हमने एक इंडिकेटर ऑलरेडी बना रखा है जो सेम चीज़ करता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जस्ट उसको फेवरेट्स में ऐड करके चार्ट में प्लॉट कर दो। अब सेटिंग्स में जाके लेंथ को 50 कर देंगे और स्टाइल में जाके EMA 1 को अनटिक करेंगे। अब EMA 2 और EMA 3 को ग्रीन कर देंगे, फिर 200 EMA को वाइट कर देंगे। इसके बाद जो प्लॉट बैकग्राउंड है उसको भी ग्रीन कर देंगे और ओके दबा देंगे। हो गया हमारा सेटअप रेडी। अब उनके वीडियो में सिर्फ इधर तक ही था सेटअप, बट हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे। जनरली इस सेटअप के साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी यूज करना होता है, और बहुत लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, या फिर ऑब्जेक्टिवली कंफर्म करने के लिए लोग ये इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर में जाके सिर्फ सर्च कर दीजिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर ये सेहुन नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया रहेगा, ये वाला, इसको ऐड कर दीजिए। अब इसमें दुनिया भर के कैंडलस्टिक आएंगे। हम सिर्फ 7 कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करेंगे जो मोस्ट यूज कैंडलस्टिक है इंडियन मार्केट में। आपके सामने मैं आपको लिस्ट दिख रहा होगा, इनके अलावा बाकी सबको अनटिक कर दो और ओके दबा दो। हो गया आपका सेटअप रेडी। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखेंगे। 50 EMA बैंड शुड बी अबाउट 200 EMA, ये अपना फर्स्ट कंडीशन है। कैंडलस्टिक पैटर्न शुड बी फॉर्म्ड ऑन 50 EMA बैंड, तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा वो 50 बैंड को टच करना चाहिए। और लास्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न शुड फॉर्म एट द रिटेस्ट, मतलब बेसिकली ये ऊपर से नीचे आके ऊपर जाना चाहिए, मतलब आपका प्राइस मूवमेंट है ऊपर से नीचे रिटेस्ट होता है ना, वैसा आना चाहिए और ये कैंडलस्टिक फॉर्म होना चाहिए। एंट्री और स्टॉप लॉस एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न रूल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और टारगेट 2:1। आई होप ये क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखिए 50 बैंड 200 EMA के ऊपर है, चेक, फिर प्राइस मूवमेंट ऊपर से रिटेस्ट ले रहा है और यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बन रहा है। सो हैमर के रूल्स के हिसाब से हैमर के हाई पे हम एंट्री लेंगे और इसके लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 2:1 एंड दैट्स अ विन। आई होप ये क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए 50 बैंड 200 के ऊपर है, प्राइस मूवमेंट ऊपर से नीचे आके रिटेस्ट ले रहा है और यहाँ आपको एक बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। सो इसके रूल्स के हिसाब से दोनों कैंडल्स का जो भी हाई रहेगा उसके हाई पे हम एंट्री लेंगे, और दोनों कैंडल्स के जो लो रहेंगे, लोएस्ट लो रहेगा, उसके लो पे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 2:1 एंड दिस इज अ विन। चलिए आई होप ये स्ट्रेटजी क्लियर है। आप उनका वीडियो जरूर देखिए, आपको अगर आपको स्ट्रेटजी को और डीप में जानना है तो इस स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। आप कंप्लीट टेस्ट यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्निंग।
द टेस्ट्स आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वाज 100, उसमें से 40 वाज विन एंड 60 वाज लॉस। सो विन रेट हुआ 40%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वाज 22.39% और मैक्स ड्रॉडाउन -10.43%। कंटीन्यूअस विन इन अ रो वाज 4 एंड कंटीन्यूअस लूज इन अ रो वाज 11। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 136.851 मंथ्स, दैट इज 11.40 इयर्स। जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेटजी टेक्निकली प्रॉफिटेबल है, 22.39% गेन इन 137 मंथ्स, बट ड्रॉडाउन -10.43% एंड कंटीन्यूअस लॉस इन अ रो वाज फ्रीकिंग 11, व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी कंसर्निंग। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे 22.39% गेन इन 11.4 इयर्स इज लाइक हार्डली 2% गेन पर ईयर, इससे अच्छा तो आप एफडी में डाल दो, राइट? वेल, यू आर नॉट टेक्निकली रॉन्ग, बट यू शुड नॉट कंफ्यूज टेस्ट ड्यूरेशन विद एक्चुअल टाइम। टेस्ट ड्यूरेशन बेसिकली अगर आप ये चार स्टॉक्स में 100 ट्रेड लेते हो तब को इतना टाइम लगेगा ये बताता है, बट रियलिटी में आप चार स्टॉक में सिर्फ ट्रेड नहीं करोगे, एटलीस्ट नॉट एट स्विंग ट्रेडिंग। सो रियलिटी में ये ड्यूरेशन बहुत कम होगा, आप 1 ईयर में ही शायद 100 के ऊपर ट्रेड ले लोगे। ये टेस्ट ड्यूरेशन से हमें ये समझता है कि ये स्ट्रेटेजी कितना फ्रीक्वेंटली सिग्नल देता है इन कंपेरिजन टू डिफरेंट स्ट्रेटेजी टेस्टेड ऑन आवर चैनल, और कुछ नहीं। वेल, टेस्ट ड्यूरेशन के हिसाब से गेन ज्यादा नहीं है, बट ठीक है। मेन प्रॉब्लम मेरे को इस स्ट्रेटेजी का इसका लूजिंग स्ट्रीक है, That is 11. Anyways, kudos to Utkarsh and Manas for sharing a strategy. As always, जैसे मैं बोलता हूँ, हर strategy को पहले खुद backtest करो और फिर decide करो कैसा है strategy. So I'll add the strategy in the Google sheet, link in the description, and this takes the 5th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification. And do like the video and share the video. अगर आप हमको support करना चाहते हो, तो UPI ID आपके screen पे होगा. Please comment में आपके feedback दीजिए. और कौन सी strategy आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।